नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौजूआत पर। एक मुलाकात कश्मीर की मारूफ मेकअप आर्टिस्ट मोनिसा मेराज के साथ। जम्मू और कश्मीर के कबाइलों को मिल रही है अपने हकों की असनाद। पुंछ में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत मकानात की तामीर। खवातीन की बाइख्तियारी के हवाले से फौज की अनथक कोशिशें जारी। राजौरी में गोजर तबके के तलबा के लिए कम्युनिटी क्लासेस का एहतमाम। जम्मू और कश्मीर की खवातीन जिंदगी के हर एक शोबे में आगे आकर अपनी काबिलियत, सलाहियत और हुनर का भरपूर मुजाहरा कर रही हैं। अब वादी कश्मीर की कई खवातीन कामयाब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी उभर कर सामने आ रही हैं। इन्हीं कामयाब खवातीन में एक और नाम जुड़ चुका है मोनिसा मेराज का, जिन्होंने एजुकेशन में मास्टर्स किया है। ताहम मोनिसा ने मेकअप आर्ट की दुनिया में कदम रख कर एक नई तारीख रकम की। वादी कश्मीर की मारूफ मेकअप आर्टिस्ट मोनिसा मेराज चंद बरसों से कश्मीर के मकामी अदाकारों को ड्रामों या वीडियोस में किरदार के मुताबिक अपने ब्रश से सजाने और संवारने का काम अंजाम देती आई हैं। लेकिन मोनिसा उस वक्त सुर्खियों में आईं जब उन्हें हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर रैपर बादशाह और शहनाज गिल के साथ काम करने का मौका मिला। मोनिसा ने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर्स किया है। ताहम बचपन से ही उन्हें जिंदगी में कुछ अलग करने की चाहत थी। आइडिया इस से आया कि शादी के बाद जब मैं एक्चुअली दिल्ली में जॉब करती थी, तो शादी के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैंने अपने इन-लॉज से बात की, मैंने अपने हस्बैंड से फर्स्टली बात की कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँ। सो मेकअप से पहला ही मेरा था कि नाता इन द सेंस कि अच्छे से आ जाता था मेरा, क्योंकि मैंने खुद अपनी शादी पे खुद ही मेकअप किया था। सो लोगों को लगा कि इसमें वो एक चीज़ है कि ये कर सकती है। सो फिर मैं एक प्रोफेशनल वे में गई। जब प्रोफेशनली आपको बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी होती है, तो प्रोफेशनली मैं इसमें चली गई। मोनिसा ने दिल्ली में कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा करके बाज़ाबिता तौर मेकअप आर्टिस्ट के बतौर अपने करियर का आगाज किया। मोनिसा का कहना है कि इस फील्ड में आने के लिए उनके वालिदैन के साथ साथ शौहर और ससुराल वालों ने काफी ज्यादा हौसला अफजाई की। प्रोस्थेटिक मेकअप में खास तरबियत हासिल करने वाली मोनिसा मेराज अपने फन और हुनर से शख्सियत निखारती हैं। मेरी फैमिली, मेरे फादर नहीं हैं, मेरे मम्मा ने मेरी पालन पोषण किया है, उसके बाद मेरे ब्रदर ने, तो उनका सपोर्ट हमेशा से था। उनका था कि जो भी करना है, जिसमें आपका अच्छा लगता है करो। फिर माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी बहुत बहुत सपोर्ट किया, इन लॉज ने भी किया, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट किया। आज मैं सलून ये कर रही हूँ, रन कर रही हूँ, तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छे से बोलते हैं कि जाओ जो करना है आराम से करो, तो इस प्रकार का मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ से। मोनिसा मेराज श्रीनगर के मजाफाती इलाके लसजन से ताल्लुक रखती हैं। 31 साल मोनिसा को मेकअप में दिलचस्पी रखने के जुनून और शौक ने मेक आर्ट को बहसती रोजगार मुंतखब करने पर मजबूर किया। मोनिसा को इस शोबे में कदम रखने के हवाले से मनफी तनकीद का भी सामना रहा। मोनिसा का कहना है कि वो अपनी सलाहियतों से दूसरों को सरफराज करने की मुतमनी है, जिसके लिए वो एक एकेडमी खोलने की मुतमनी है। मैं लास्ट ईयर एक जगह पे एज अ ट्रेनर थी, सो अच्छा लगा मुझे बच्चों को पढ़ाने में। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे सारा, मतलब वो एक अच्छा सा ये खोलूँ कि जिसमें मैं लड़कियों को सिखाऊँ, ना कि मेकअप, जो भी ब्यूटी के रिलेटेड है आपका, मैं उनको आराम से सिखाऊँ। इंशाल्लाह मेरा प्लान है।
मुनीसा चंद बरसों से कश्मीर के मकामी अदाकारों को ड्रामों या वीडियोस में किरदार के मुताबिक अपने ब्रश से सजाने और संवारने का काम अंजाम देती आई। लेकिन ये मेकअप आर्टिस्ट उस वक्त सुर्खियों में आई जब उन्हें हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर रैपर बादशाह और शहनाज गिल के साथ काम करने का मौका मिला। अब मुस्तकबिल में वो मुंबई जाने की ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप फ्यूचर बना रहे हो, डेडिकेशन से काम करो, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लड़कों और लड़कियों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है अर्न के मामले में। लड़के भी मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे हमारी वैली में, तो बहुत अच्छा है। जिसको जो अच्छा लगे वो उस हिसाब से इसको आगे ले जाए। डिपेंड है कि आपकी अंदर वाली वो एबिलिटी कितनी होती है। मेरा एक चीज़ है कि जब आप कुछ सोच रहे हो कि एक प्रोफेशन बनाना है, पहले ही आपको प्रोफेशन कमाना है, देन आप अर्न कर सकते हो। एक प्रोफेशन कमाना बहुत बड़ी होती है, अर्न करना बड़ी बात नहीं होती है, प्रोफेशन कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मुनीसा मेराज अपने इस काम से काफी खुश और मुतमईन नजर आ रही हैं। ताहम ये चाहती है कि दीगर वालिदैन भी अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि वो भी दिलचस्पी के मुताबिक अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। जम्मू कश्मीर के कबाइलों के लिए इंफरादी और कम्युनिटी हकों के असनाद के हवाले से समाजी मसावात का एक नया और तारीखी दौर शुरू हुआ है और इस तारीखी दौर का आगाज सुबह कश्मीर से हुआ। SKICC श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कबाइली फिरके के अफराद को इंफरादी और कम्युनिटी जंगल के हकूक के असनाद तकसीम किए। कश्मीर सूबे में तारीखी आगाज करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC में कश्मीर डिवीजन के कबायली फिरके के अफराद को इनफरादी और कम्युनिटी जंगल के हकूक के असनाद दिए। कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ कबायली बिरादरियों से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कबायलियों के लिए इनफरादी और कम्युनिटी हकूक के सर्टिफिकेशन के हवाले से समाजी मसावात का एक नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मुकम्मल नफाज में उनकी शिरकत को अहम करार दिया। ये हमारी तो काफ़ी आज की बात नहीं, नस्लों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी नस्लों ने भी ऐसा प्रोग्राम कभी ना देखा, ना हुआ, ना गुजर बकरवाल को इस तरीका से कभी किसी ने डील किया। बड़ी बात यह है कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जहाँ जहाँ डोके हैं वो उनके नाम पे होंगी, और जहाँ इनके रास्ते हैं, रास्तों की प्रॉब्लम थी, रास्ते में हमारे लोग मर जाते थे, जानवर भी इंसान भी, वो ख़त्म, माल मवेशी जो था हमारा वो ख़त्म हो जाता था बर्फबारी की वजह से। अब वहाँ पे सरकार ने शेड देने शुरू किया, सरकार के बहुत बड़े मशकूर हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने एक मजबूत तरीक़ेकार वज़ा किया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इन हुकूक का फैसला निचली सतह पर PRI और महकमा जंगलात के मशावरत से किया जाए। हुकूमत ने कबायली बिरादरी के नौजवानों को रोजगार के पायदार मौके फराहम करने के अलावा बेहतरीन तालीम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं। ट्रांजिट रिहाइश पर काम जल्द ही कबायली इलाकों कंडी, राजौरी में, थाना मंडी, पुंछ में, बहराम गाला और कौमी शाहरा के साथ उधमपुर और रामबन में शुरू होगा। इसी तरह का मंसूबा दुबजन और लाल गुलाम शुपया में और NH के साथ पुलवामा में तामीर होगा। 2006 में ये एक्ट जो है ये पास हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। और आज मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और भारतीय सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के दिन में मालकाना हकूक हमारे 500 फैमिली को आज श्रीनगर में दिए हैं। और भी हर ज़िला के अंदर ये जो प्रोग्राम है, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये अपने जहाँ जहाँ भी जितनी क्लेम्स हैं इन सारे लोगों को ये क्लेम कि जितना भी ये अप्रूवल है, मालकाना हकूक है, ये दिए जाएंगे। आज़ादी के बाद पहले से कबायली नुमाइंदों ने तालीम, सेहत और जंगलात की पैदावार पर अपने हक के तहफ्फुज का मुतालबा किया था जिसे हासिल करना नामुमकिन नहीं था। लेकिन कई दहाइयों के बाद भी जम्मू कश्मीर की कबायली बिरादरी अपने हकूक हासिल नहीं कर सकी।
जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कबायली बिरादरी के मफादात के तहफ्फुज के लिए पुरअज़म है और जो भी मुश्किलात या रुकावटें आईं, उनको कबायली बिरादरी की तरक्की और खुशहाली के रास्ते से हटाने के लिए काम किया जा रहा है। 20,000 के आसपास एप्लीकेशन आई है, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कम्युनिटी की हैं। आज आपने देखा कि अनेक लोगों को दिया गया और जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं उन्हें निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर, जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 75 दिन में ये काम पूरा कर लिया। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलावा भी उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएँ जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है और मुझे संतोष इस बात का है कि उस समुदाय को भी मुख्य धारा से जोड़ने में हम सफल होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कबायली आबादी को मरकजी धारे की तरक्की से जोड़ेगा। ये किसी भी समाजी इम्तियाज से मुबर्रा एक मसावी मौशरे की तश्कील के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। वजीर आजम की बदौलत यकुम दिसम्बर 2020 को फॉरेस्ट एक्ट लागू करने की कार्रवाई शुरू की गयी। 2019 से पहले तो यहां भारत सरकार के कई कानून जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सबके लिए घर का तस्वीर हकीकत बन रहा है, जबकि ख्वाब भी शर्मिंदे ताबीर हो रहा है। गरीब खानदानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत मकाना की तामीर की जा रही है। सुबह जम्मू के पुंछ में इस स्कीम के तहत गरीब खानदानों के लिए मजीद 417 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। मरकजी स्कीम वजीर आजम आवास योजना के तहत सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में बेघर कुंभों के लिए ख्वाबों के आशियाने तामीर करने का सिलसिला जारी है। ये स्कीम गरीब और छत से महरूम कुंभों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रही है। जिले में हजारों अफराद अब तक इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं, जबकि 417 बीपीएल कुंभों के लिए मजीद मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तकरीबन जो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन या जिनके एनुअल इनकम 3 लाख से कम थी, उन लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है स्कीम का। लोगों के पास अपने पक्के मकान नहीं थे, तो जैसे वो हमारे क्राइटेरिया में फॉल किए तो काफ़ी लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा लिया है। तो आने वाले दिनों में हमने नई DPRs भी प्रपोज़ किए हैं, तो जितने भी रेस्ट ऑफ द केसेज हैं वो भी इससे फ़ायदा लेंगे और लोगों का जो अपने घर का सपना है वो मोदी जी की इस स्कीम के तहत जो है पूरा हो रहा है। खते इफलास से नीचे गुजर बसर करने और झुग्गी झोपड़ियों में जिंदगी के मुश्किल तरीन आयाम काट रहे घरानों के लिए मरकजी हुकूमत ने एक स्कीम मुरतब की है। इस स्कीम की बदौलत बेघर अफराद के लिए ख्वाबों के आशियाने तामीर किए जा रहे हैं। वजीर आजम की सबके लिए घर स्कीम के तहत सूबा जम्मू के पूंछ जिले में आशियाने तामीर करने का अमल जारी है। अब मेरा मकान कच्चा था, बनाने में और रहने में बहुत मुश्किल थी और बारिश का पानी भी बहुत अंदर आता था और गवर्नमेंट ने स्कीम चली, उस स्कीम से हमने मकान बनाया और पहले प्लांट भरा, फिर दीवारें खड़ी की, अब लेंटर डाला कल। तो हम गवर्नमेंट का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे इतनी मदद की, तो हमने अपना मकान बनाया। हर कोई ये ख्वाब जरूर देखता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन गुर्बत और इफलास के बायस हर एक का ये ख्वाब पूरा नहीं होता। वजीर आजम आवास योजना ने बेघर अफराद की आंखों में पलने वाले ख्वाबों को पूरा करने की राह हमवार कर दी। पूंछ में गरीब घरानों के लिए रिहायशी मकान तामीर किए जा रहे हैं। इससे कबल वो झुग्गी झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रिहायश पजीर थे, लेकिन अब उन्हें पक्का मकान की सहूलियत मयसर होगी। जिले के हजारों मुस्तहक कुंबे इस स्कीम के दायरे में लाए गए हैं। पहले तो हमारा कच्चा मकान था, पानी जब बारिश होती तो पानी से भी अंदर आ जाता था, वो बड़े परेशान होते थे। हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये पैसा दे के हमें जो मकान जो है पक्का दिया, हमें पक्का मकान बनाया है। इससे हमें थोड़ा सा सुख मिला है, जिससे हमें जो परेशानी हमारी ख़त्म हो गई है। हम फिर प्रधानमंत्री से शुक्रिया अदा करते हैं कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना को काफी पज़ीराई हासिल है, क्योंकि इस स्कीम के तहत ख्वाबों के आशियाने तामीर किए जाते हैं और उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रही है। ये स्कीम मुल्क की तारीख में पहली बार गरीब और मेहनतकश तबके की रिहाइश का एक अच्छा काम है। जम्मू कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों में मकामी लोगों की मदद, खास तौर पर ख्वातीन की बाइख्तियारी के हवाले से फौज ने अपनी अनथक कोशिशें जारी रखी हैं। इस सिलसिले में ख्वातीन के लिए कम उबेश हर ज़िले में सिलाई और दीगर तरबियती व हुनरमंदी के सेंटर्स कायम किए गए हैं। शुमाली ज़िला बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक एक गांव में वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर फौज ने कायम किया है, जहां मकामी ख्वातीन हुनर से रोज़गार तक मुस्तफीद हो रही है। पेश इस बारे में एक रिपोर्ट। ख्वातीन की बाइख्तियारी को यकीनी बनाने की अपनी अनथक कोशिशें जारी रखते हुए फौज ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के बतौर शुमाली जिला बारामूला के लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक बर्नेट गांव में एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर कायम किया है। फौज ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पहल की है। ये सेंटर इसी की एक कड़ी है। यहाँ तरबियत हासिल करने वाली तालिबात ने फौज के इकदाम को काफी सराहा है। हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें इतने समझा कि इस इलाके में किस चीज की कमी है, वरना हमें क्या पता था क्या कर सकते हैं। हम गरीब लड़कियां कहाँ से मशीनें या कहाँ से कुछ कर सकती थी। आर्मी की वजह से हमें इतना कुछ मिला, इसलिए हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारी हेल्प की, आगे भी इस तरह करते रहेंगे। फौज की जानिब से कायम किए गए इस सेंटर में लड़कियों को पेशेवराना तरबियत देने के लिए टेलरिंग और कटिंग स्कूल्स हैं। अब तक तकरीबन 30 से 40 लड़कियों ने खुद को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकज में दाखिला लिया है। मरकज में तरबियत हासिल करने वाली एक तालिबा ने बताया कि 10 से जायद लड़कियां टेलरिंग में महारत रखती हैं, जो दूसरों को भी तरबियत दे रही हैं। उनका कहना था कि इस इकदाम के जरिए ये लड़कियां सीख रही हैं और खुद मुख्तार रहना चाहती हैं। इसकी वजह से हमें आगे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम फिर अपना ये जो बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं इसकी वजह से। तो बाकी जो घर में भी लड़कियां हैं, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ आपके जरिए से कि वो यहाँ आए ताकि वो सीखें, अपना रोजगार बनाएं, ऑनलाइन बिजनेस करें, फिर उनका अपना ही फायदा है इससे। और मैं पहले तो यहाँ पे कोई ऐसा सेंटर नहीं था, अब इंडियन आर्मी का हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही यहाँ पे ये सेंटर आया है। सेंटर में तरबियत हासिल करने वाली दीगर तालिबात ने कहा कि हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव पर तवज्जो दी। 10 से ज्यादा लड़कियां हैं जो हुनरमंद हैं और दूसरों को तरबियत दे सकती हैं, जबकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय फौज हमें बाइख्तियार बनाएगी। बर्नेट विलेज के सरपंच वली मोहम्मद मीर ने इस इकदाम को काफी सराहा और कहा कि इससे ख्वातीन को खुद इनसार बनने में मदद मिलेगी। यहाँ पे एक महीना पहले एक सिलाई सेंटर खोला गया, जो कि मेरे ख्याल में 30-40 बच्चे इस टाइम भी इस सिलाई सेंटर पे आती हैं। कम से कम 15-20 बच्चे वैसे भी हैं। एक महीने वो खुद ट्रेन हो गई यहाँ पे और अपने कपड़े सीने लगी, कैप्टन भी करने लगी। अगर ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल में इलाके में रहें, हर इलाके में जाएँ, हर तहसील में जाएँ, तो मेरे ख्याल जो बेरोजगारी का ये सिस्टम है, मेरे ख्याल बहुत हद तक कम हो जाएगा। इस गांव की तमाम ख्वातीन बेरोजगार थीं। पहले उनके लिए कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन फौज की तरफ से शुरू की गई पहल ने बहुत सी लड़कियों को हुनरमंद बनने में मदद दी। अगर ये काम हर जिले और गांव में जारी रहा तो इससे बेरोजगारी के मसले को हल करने में भी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्राइमरी, मिडिल, हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल्स बंद हैं।
जबकि प्राइवेट कोचिंग सेंटर भी मुकफल है। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस ही दर्स और तदरीस का जरिया है। हुकूमत सरकारी सतह पर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हर तालिबे इल्म तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए कम्युनिटी क्लासेस का भी एहतमाम किया जा रहा है। राजौरी में गोजर तबके के बच्चे कैसे मुस्तफीद हो रहे हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क में भी शोबा तालीम को नाकाबिले तलाफी नुकसान से दुचार होना पड़ा। अब भी जम्मू कश्मीर में प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद हैं। इस नुकसान की तलाफी के लिए जम्मू कश्मीर में एक अनोखी कोशिश शुरू हो गई है। सूबा जम्मू के राजौरी में कबायली बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ओपन एयर कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए गए हैं। कोरोना बहरान में कबायली तुलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीर पंजाल का इलाका है, यहाँ पे जो गुजर बकरवाल लोग हैं वो यहाँ पे 6-6 महीने के लिए आते हैं अपने माल मवेशी को लेकर, और यहाँ पे साथ में बच्चे भी हैं जो उनको, मैं एक टीचर हूँ, सीजनल टीचर, ये पीरपाल का सेंटर है, मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ ताकि यहाँ पे इनकी पढ़ाई जाया ना हो। परेशानी के इस दौर में ये क्लासेस कबायली बच्चों की उम्मीद का काम कर रही है, उन्हें अपनी तालीम जारी रखने में मदद हासिल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते हैं और उनके बच्चों की तालीम मुतासिर होती थी। कबायली बच्चों के लिए ये कम्युनिटी क्लासेस नई सुबह तुलु होने के मुतरादिफ है। ये पीर पंजाल का एरिया है, यहाँ पे गुजर बकरवाल जो है 6 महीने के लिए यहाँ पे अपने भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह लेके पहुँचते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत सफ़र रहते थे इससे पहले। तो इस साल हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सेंटर ये हमारे लिए खोले हैं यहाँ पे। इस पीर मर के बीच में 7 सेंटर चल रहे हैं और 7 के 7 अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी कुछ लड़कियाँ काम कर रही हैं, कुछ लड़के काम कर रहे हैं। असातीजा ने बताया कि हमने कम्युनिटी क्लासेस शुरू कर दी हैं क्योंकि हुकूमत की वाज़ह हिदायत हैं। ऑनलाइन मुताले के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है और तमाम वालिदैन मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे, खास तौर पर कबायली बच्चे, बहुत सारी वजूहात की बिना पर ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब कम्युनिटी क्लासेस शुरू हुई है तो बच्चे आ रहे हैं। मोबाइल सेंटर्स यहाँ पे चल रहे हैं, एक डिमांड हमारे पास ये आई है कि मोबाइल सेंटर्स जो बढ़ाए जाएं, नंबर इनका बढ़ाना चाहिए। तो उसमें जो सर्वे हुआ है उसमें हमें पता चला है अभी के कितने हैमलेट्स और हैं जो अनकवर्ड हैं, जहाँ नए स्कूल्स की ज़रूरत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिकमेंड किया जाएगा, वो हम करेंगे। इसके साथ साथ एक ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में एक बड़ा डिसीजन है कि 2 रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जब ये लोग आते हैं माल मवेशी के साथ तो बच्चों को उन रेजिडेंशियल स्कूल में, जैसे पुलवामा, शोपियाँ जैसी जगह में बच्चों को वो छोड़ सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है उसके बेसिस पे बनाने के लिए डिसीजन लिया गया। दुनिया भर में करोड़ों बच्चे इस वक्त क्लासरूम से दूर हैं। ऐसे में कम्युनिटी क्लासेस से न सिर्फ तालीम को हुए नुकसान की भरपाई मुमकिन हो पाएगी, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी फतह यकीनी बन जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल दीजिए आज के शुमारे से इजाज़त, अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।